राव साहेब ने अब चली है बड़ी चाल। राव साहेब ने साफ साफ जो है अब करवाया है सभी को किडनैप। जी हाँ, आपने सही सुना, सभी पर आफत आ गई है और सभी के साथ जो चाल अब राव साहेब ने चली है उसके बाद मुश्किल हो जाएगा सभी का बचना। क्या कर दिया है ऐसा राव साहेब ने, हम आपको बताएंगे टीवी विंडो पर। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जानते ही हैं कि राव साहेब जो हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते कि ईशान आयुष के खिलाफ कोई कदम उठाए। ऐसे में सभी उनकी कोई बात सुनने को और मानने को तैयार नहीं हैं। पर यहाँ राव साहेब भी हार नहीं मानने वाले। राव साहेब कुछ ऐसा करते नजर आएंगे जिसके बाद सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्या किया है राव साहेब ने, चलिए हम आपको बताते हैं। राव साहेब ने अब अपने गुंडे भेजकर करवा दिया है सभी को किडनैप। सभी तो कुछ नहीं जानती कि आखिरकार ईशान को सच पता चल गया है, लेकिन सभी को चुप कराना पॉसिबल भी नहीं, क्योंकि सभी हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के लिए खड़ी रहती है। और सभी ने पहले ही कह दिया था कि वो किसी भी तरीके से न्याय तो लेकर ही रहेगी। और अब हम आपको बता दें कि जब अन्वी ने सारा सच बता दिया है, सब कुछ सही सही बता दिया है, तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई है। दुर्वा ने भी अपना गुनाह मान लिया है, लेकिन यहाँ पर दुर्वा लगातार ये बात कह रही है कि नहीं, आयुष को उसने नहीं छेड़ा था, आयुष ने सभी के साथ कुछ गलत नहीं किया था। अब दुर्वा क्यों बचा रही है आयुष को ये तो नहीं पता, लेकिन हम आपको बता दें कि अब राव साहेब ने एक नया तरीका निकाल लिया है। उन्होंने अब सभी को ही किडनैप करने की प्लानिंग कर दी है और इसीलिए उन्होंने अपने गुंडे जो है भेज दिए हैं। एक बात तो तय है कि अब लगातार जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही है उससे एक बात तो साफ है कि अब सभी पर फिर से एक नई आफत आने वाली है। सभी के साथ फिर से गलत होने वाला है। सभी के साथ जो होगा वो वाकई में चौंकाने वाला होगा, क्योंकि सभी की जान पर आने वाली है। आप इस बारे में क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताएं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।